मैडम आज तो मैं अबान बाबा के हाथों बच गई। मिस रोशनी अगर टाइम पर ना आती मैं तो मर चुकी होती उनके हाथों। जिद किस चीज की कर रहा था? मुझे आइसक्रीम खानी थी लेकिन अब मैं कैसे ला कर दे सकती हूँ? वो जब भी आइसक्रीम खाते हैं बीमार हो जाते हैं। फरजाना, आलम साहब आप जाइए। जी मामा सुरेंद्र कर लेंगे, आप तो जानती है ना, परेशान मत। फरीदा, फरीदा! जी बीबी जी, जी बीबी जी। कहाँ पर गई थी? वो मैं पौधों को पानी दे रही थी, साबिर भाई नहीं आया आज इसलिए। ये सब तुम्हारा बाप करेगा? कौन करेगा ये सब साफ? मैंने मना किया था इसको। क्या? फरीदा आप जाएं और जाके पौधों को पानी दीजिए। ये सारी गंदगी कौन साफ करेगा? तुम साफ करोगी ये सब कुछ? इस तरह से कोई खाना फेंकता है? आर यू क्रेजी? पागल तो नहीं हो गए तुम? तुम्हारा पागलपन कंट्रोल करने की जरूरत है। चलो उठाओ सब कुछ। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? लगता है रात की मुलाकात का नशा अभी तक टूटा नहीं है तुम्हारा। मैं मिनाल को मामू से मिलवाने लेकर गया था और कुछ भी नहीं। तो तुम उस वक्त क्यों नहीं लेके जाते जब मैं घर पे होती हूँ? उसी वक्त क्यों लेके जाते हो जब मैं घर से चली जाती हूँ? उस वक्त लेके जाया करो ना मेरे सामने। क्योंकि तुम्हें जरा जरा सी बात का तमाशा बनाने की आदत है और वैसे भी तुम मामू को पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं तुम्हें वहां नहीं लेके जाता। रियली मिस्टर नदीम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं निम्मो को पसंद नहीं करती हूँ और तुम हमेशा निम्मो को लाके मेरे सामने खड़ा कर देते हो। निम्मो मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर रही है, उसकी वजह से मनाल अब तक मेरी नहीं हो सकी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में फिर वही बकवास। तुमसे बात करनी फजूल है। नदीम मैं बकवास नहीं कर रही। नदीम अयूब बेटा उठो, उठ जाओ बेटा, नाश्ता भी लगा दिया मैंने, तुम्हारे अब्बू वेट कर रहे हैं तुम्हारा, उठो। शाम में आता हूं। भाई आ जाना। अच्छा छोड़ दो इसे, ना करो एहसान, कर लूंगी मैं खुद। मामी मैं कमरे में बैठे बैठे तंग आ जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आके सब्जी बना लूं। वहां से किसी का फोन आया? तबस्सुम ने काशिफ की आंखों पर तोहमत की ऐसी सयाह पट्टी बांधी है कि उसको खुद अंदाजा नहीं है कि उसने मेरे पे क्या इल्जाम लगाया। कहीं जेवर तुमने तो नहीं चुराए? मामी मेरी तरबियत आप दोनों ने की है, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो फिर तुम्हें अंदाजा है कि घर से जेवर कहाँ गए? अंदाजा नहीं, यकीन है। तबस्सुम ने सारे जेवर उस लड़के को दिए जो उसे छत पर मिलने के लिए आता है। मैंने खुद अपने कानों से उन दोनों की बातें सुनी है। उन लोगों ने तुम्हारे मामू पर चोरी का पर्चा करा दिया
और तुमने यही बयान पुलिस को देना है, समझी? आप फिक्र ना करें माम, अल्लाह ताला मेरे साथ इंसाफ करेंगे। उन जालिमों ने जो जुल्म करना था ना कर लिया, अब जब जेवर उनके घर से निकलेगा तो काशिफ और उसके घर वाले बहुत रुसवा होंगे। अच्छा ये पकड़, बना रहे सब्जी, बन जाए तो आवाज दे देना, मैं हंडिया चढ़ा दूंगी। रोने शक्ल अरे भाभी, आपने इतना देरा क्यों किया हुआ है? और आपने खाना भी नहीं खाया। रख दीजिए। आपको पता है ना भाभी, आपको खाना खिलाए बगैर मैं अपने हलक से एक निवाला नहीं उतारती। ले जाइए खाना, हमें भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है, कुछ तो खाना पड़ेगा ना आपको। आबान कैसा है? आबान एकदम मजे में। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना आबान के लिए, मैं संभाल लूंगी आबान को। कैसे परेशान ना हो, उसकी एज के सारे लड़के अब ब्रॉड पढ़ने के लिए गए हैं और आपने उसकी हालत देखी। भाभी आप क्यों सोचती हैं ऐसा, डॉक्टर ने कहा है ना कि आबान एज के साथ साथ बेहतर हो जाएगा, उसकी तो ट्रीटमेंट भी चल रही है। वक्त के साथ साथ वो बहुत जिद्दी हो रहा है, अगर यही हालत रही तो मुश्किलात हो सकती हैं उसके लिए। भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आबान को कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगी। मैं हूं ना, मैं उसका पूरा ख्याल करूंगी, आई प्रॉमिस यू। आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। अच्छा बस जल्दी से खाना खा ले, आपकी पसंद का खास बनवाया मैंने। मैं बाद में खा लूंगी। भाभी वो कहिए। भाभी कुछ थोड़े से पैसे चाहिए थे। तो सिकंदर से बोलिए ना, लॉकर की चाबी तो उसी के पास होती है, जितने पैसे चाहिए ले लें। वो कह रहे थे कि आपकी इजाजत के बगैर वो पैसे नहीं देंगे। आपको किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, आप ले लीजिए। वो असल में मेरी दोस्त है ना तरन्नुम, उसकी बेटी की शादी है तो उस वजह से शॉपिंग के लिए चाहिए था। दैट्स गुड, एंजॉय कीजिए। आप जायान सो गए हैं? वो टेंडर के बारे में कुछ डिस्कस करना था, ऑफिस में डिस्कस हो नहीं सका, आबान की वजह से हमें जल्दी घर आना पड़ा। भाभी जायान तो सो गया है, आप कह मैं उसको जगा दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम सुबह बात कर लेंगे, आप भी आराम कीजिए। सही है, आप प्लीज़ खाना ज़रूर खाइएगा, यहाँ पर रख दूँ आपके लिए? हम खा लेंगे। Good night. Good night. तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया है, तुम्हारी बद्दुआ, तुम्हारी बद्दुआ मुझे खा गई। हेलो अयूब, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
काशिफ से बात हुई तुम्हारी? उसका मामला कहां तक पहुंचा? जल्द, बहुत जल्द काशिफ मुझे और हमजा को ले जाएगा। यूं समझ लो चंद दिन या फिर चंद घंटे। क्या मतलब? उसने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन काशिफ ने बताया था कि उसकी दूसरी बीवी निमो घर छोड़कर चली गई है। क्या? निमो ने काशिफ का घर छोड़ दिया? हैरत है, निमो इतनी आसानी से काशिफ के घर से कैसे निकल गई? ऐसा भी हो सकता है कि काशिफ ने उसे खुद घर से निकाल दिया हो। हाँ, हो सकता है।